नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूही चंद। दुनिया के सबसे ठंडे शहर का तापमान -59 डिग्री से भी नीचे चला गया है। मैंने अभी अभी देखा कि हमारे प्लेन की खिड़कियां नीचे उतरने से पहले ही जम गई है। आज का हवा का तापमान -55 डिग्री सेल्सियस है। मैं इस बेहद ठंड वाले मौसम में खुद के नजरिए से 8 एक्सपेरिमेंट्स करूंगा। क्या अंडे का लिक्विड अपने खोल को उठा सकता है, या क्या नूडल्स फोक को हवा में पकड़े रख सकती है? फोक को फिक्स करने के लिए हमने एक आसान सिस्टम बनाया है, क्योंकि ठंड से कांपने की वजह से हम इसे अपने हाथों से नहीं पकड़ पा रहे हैं। लोग यहाँ मेटल फ्रेम के चश्मे नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि मेटल लोगों की त्वचा से चिपक सकता है, और जब वे उन्हें उतारने जाएंगे तो उनका मांस बाहर आ सकता है। मेरे पास मांस का एक टुकड़ा है जो बिल्कुल इंसानी मांस की तरह दिखाई देता है। मैंने दो ग्लव्स पहने थे, मैंने बड़े वाले निकाल दिए क्योंकि मुझे अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना था, और ये ठंडा होना शुरू भी हो गया। मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए। चंद मिनटों में हमने जो कुछ भी देखा उसने हमें फिर से याद दिला दिया है कि ये जगह कितनी ज्यादा बर्फीली है। यहाँ सब कुछ जम जाता है। चलिए अब इसे निकालते हैं। क्या आपने देखा दोस्तों, जमे हुए सॉलिड नूडल्स फोक को हवा में पकड़ कर रख सकते हैं। क्या आपने देखा? क्या आपने देखा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कल्पना करें कि आप पूरे दिन के खत्म होने के बाद अपना चश्मा उतार रहे हैं, और आपके चश्मे का मेटल फ्रेम आपकी त्वचा को ऐसी जगह से छील देता है जहां पर बहुत सारी नसें होती हैं। ठीक इसी तरह यहाँ जबरदस्त ठंड है, जिसकी आदत इंसानी शरीर को नहीं। फुटपाथ पर जमी हुई बर्फ को हर घंटे तोड़कर साफ करना पड़ता है। सड़कों पर जो स्टैचू दिखाई दे रही हैं, उन्हें बर्फ से बनाया गया है, इसलिए वे महीनों तक नहीं पिघलेंगी। यहाँ पर लोग हर बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर कारपेट बिछाते हैं ताकि किसी को भी फिसल कर चोट न लगे। ठंडी हवा को अंदर आने से रोकने के लिए बिल्डिंग्स की एंट्रेंस में आमतौर पर 3 दरवाजे होते हैं। हमारे होटल में दरवाजों को तिरछा रखा गया है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ स्कूल तब तक बंद नहीं होते जब तक कि तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं, जबकि दुनिया की कुछ जगहों पर तापमान 0 से कम होने पर स्कूल बंद हो जाते हैं। -45 डिग्री सेल्सियस यहाँ काफी आम बात है। इस तापमान में बच्चे बाहर जाकर खेलते हैं। अगर यहाँ -28 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है तो इसका मतलब याकूत के लोगों के लिए वसंत का मौसम आ चुका है। चलिए अब गुब्बारों का एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनके पूरी तरह से जम जाने के बाद बोलिंग खेलने के बारे में क्या ख्याल है? इस शर्ट को पूरी तरह से जमने में कितना समय लगेगा? चलिए देखते हैं। क्योंकि ये शर्ट गीली थी इसलिए मेरे ग्लव्स भी गीले हो गए हैं, और ये जल्द ही जम जाएंगी। मेरी उंगलियां ठंड के मारे दर्द कर रही हैं। बेहतर होगा कि मैं उन्हें न पहनूं, लेकिन ग्लव्स के बिना रहना एक अच्छा आइडिया नहीं है। केवल 20 सेकंड के बाद ही बिना ग्लव्स के हाथों में बहुत दर्द होने लगता है। दर्द को कम मत समझे। अगर मैं बिना ग्लव्स के अपने हाथों को 20 मिनट तक बाहर रखता हूं, तो मैं इन्हें खो दूंगा। इसे फ्रॉस्ट बाइट कहा जाता है। पिछली वीडियो में मेरा कान सिर्फ 3 मिनट तक ही बाहर था, लेकिन फिर भी वो सूज गया था। मेरी पलकें पहले से ही जम चुकी हैं। हवा का तापमान लगभग -55 डिग्री सेल्सियस है। क्या आप जानना चाहते हैं कि बिना पैसे खर्च किए बोलिंग कैसे की जा सकती है? आप देख सकते हैं कि मैंने गुब्बारों में पानी भर दिया है। अगर मैं गुब्बारों को निकालूंगा तो मुझे आइस बॉल्स मिलेंगे। ठीक इस तरह मैंने बर्फ में प्लास्टिक की बोतलें भी रखी थी जो अब बोलिंग पिंस बन चुकी हैं। आपने देखा दोस्तों, आपको यकीन हो रहा है? वहां पर देखिए, क्या ये असली है? उस छेद को देखिए जहां मैंने मारा था। हाँ, टी-शर्ट को जमाने के एक्सपेरिमेंट के बाद मेरे ग्लव्स ऐसे हो गए हैं।
बैग को पकड़ते समय मेरे हाथों की ये पोजीशन थी और ग्लव्स को उतारते समय भी उनकी पोजीशन वैसी की वैसी ही है। मेरी उंगलियां इन ग्लव्स में थी, ये बिल्कुल भी नहीं मोड़ रहा है। ये जम चुका है। ये अपने आप ही वहां चिपका रहेगा। ये काम नहाने का तौलिया है, क्या हम इसकी मदद से एक स्लेट बना सकते हैं? देखिए, ये खौलता पानी है। बाहर का तापमान लगभग -50 डिग्री सेल्सियस है, उबलते हुए पानी का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस है। देखिए, यहाँ के मौसम ने तुरंत इसे आइस क्रिस्टल्स में बदल दिया। यहाँ का तापमान इतना ठंडा है और हमारे शरीर के वो हिस्से जो ढके हुए नहीं है उन्हें भी ठीक ऐसा ही महसूस होता है। अगर आपके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है तो आप यहाँ अपने शरीर के अंगों को खो सकते हैं, भले ही आपको लगता हो कि आप सावधान हैं। यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर जाना लगभग नामुमकिन है। अगर आपको जहाँ जाना है वहाँ से आप 20 मिनट की दूरी पर हैं, तो आपको वहाँ तक पहुँचने में लगभग 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि आपको लगभग हर 5 मिनट में अपने आप को गर्म रखना होगा। यहाँ पर रहने वाले लोग जब बाहर निकलते हैं तो बैंक या सुपरमार्केट में आराम करते हैं और फिर दोबारा चलते हैं। हमारी बर्फ की स्लेट तैयार है। बहुत बढ़िया, मैं दोबारा करूंगा। मैंने केलों को देर तक बाहर रखा था और मुझे लगता है कि अब वो हथौड़े की तरह सख्त हो गए हैं। यहाँ के लोग जरूरत पड़ने पर जमे हुए फलों को हथौड़े की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा इस बात का सबूत, आपको ये हर दिन देखने को नहीं मिलेगा। जमे हुए फल और मांस की बात करें तो याकूत के कुछ लोग अपने घर में एक कमरा खाली रखते हैं और उसे गर्म नहीं करते हैं, क्योंकि कमरा बाहर जितना ही ठंडा होता है, इसलिए वे इसे एक बड़े फ्रीजर की तरह इस्तेमाल करते हैं जिससे बिजली की खपत नहीं होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस घर का पहला कमरा फ्रीजर के लिए रखा गया है। 1, 2, 3 पानी से एक्सपेरिमेंट करते करते हमारा बैग भीग गया। अभी सिर्फ 2 मिनट ही हुए थे और देखिए ये जम भी गया। देखिए, उस पर सिर्फ पानी की कुछ ही बूंदें गिरी थी। मुझे इसे ऐसे ही उठाना पड़ेगा, इसी तरह बाकी सब कुछ भी जम जाता है। तो याकुत्स्क सखा रिपब्लिक की राजधानी है। इस शहर की कुल आबादी लगभग 3 लाख है। पूरे खुले क्षेत्र में आबादी लगभग 1 मिलियन है, लेकिन सालाना यहाँ पर लगभग 2000 विदेशी आते हैं और वे आमतौर पर बिजनेस के सिलसिले से आते हैं। ये बिजनेस आमतौर पर नेचुरल गैस और हीरे की खदानों के बारे में होते हैं। एक सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि गर्मी के दौरान यहाँ का मौसम कैसा रहता है। जून, जुलाई और अगस्त में तापमान 16, 19 और 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दियों में सूरज की रोशनी सिर्फ 5 घंटों तक रहती है, जबकि जून में सूरज लगभग 20 घंटों तक अस्त नहीं होता है। मेरे जूतों के नीचे जो बर्फ है उसकी मोटाई लगभग 30 मीटर है और शहर में ज्यादातर बर्फ पिघलती भी नहीं है, भले ही तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही क्यों ना हो जाए। इसे परमा फ्रॉस्ट कहा जाता है, जिसका मतलब परमानेंट फ्रॉस्ट होता है। तो पिछले 2 एपिसोड्स याकुत्स्क के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज थी। पूरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज के दौरान हमें -55 डिग्री सेल्सियस में रहने वाली इन रहस्यमय याकूत लोगों और उनकी अद्भुत संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिला। आपको इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का पहला और दूसरा एपिसोड भी देखना चाहिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। इस चैनल पर आने वाला अगला वीडियो भी याकुत्स्क के बारे में ही होगा। उस वीडियो में हम -55 डिग्री सेल्सियस में लगातार 1 घंटे तक चलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम कामयाब हो पाते हैं या नहीं। इससे हमें पता चलेगा कि ठंडा तापमान हमारे शरीर और हमारे चेहरे पर क्या असर डाल सकता है। क्या हम कामयाब हो पाएंगे, मुझे नहीं पता। अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं और अगर आप हमारे सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री सीरीज जारी रहेगी। हम ऐसी अनोखी जगहों पर जाते रहेंगे जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं और हम व्यापक दृष्टिकोण के साथ कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। मैं तहे दिल से अपनी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में मेरा साथ दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।